डॉक्टर ने बोला है कि आगे आने वाले टाइम पे ये बहुत बड़ा इशू हो सकता है कि जो कि आपको अपना गर्भाशय पूरा निकालना पड़ेगा, तो उससे अदालत को कोई लेना देना नहीं है। अदालत अगर ये अरेस्ट भी हो जाती है तो पूरी जो इसकी जो ट्रीटमेंट होगा वो सरकार में हो, सरकार के अंडर में होगा, अदालत के रहन से उसमें होगा। और ऐसा कुछ नहीं है कि ये मेडिकल लीव पे रह जाएगी और वो बोलेंगे भैया मेडिकल में है, इसको तुम इस वाले हॉस्पिटल में एडमिट कर दो, इसके बाप के नौकर नहीं बैठे हुए हैं कोई कि इसका इंतजार करेगा। ये अरेस्ट होगी, डेफिनेटली अरेस्ट होगी। बाकी जो भी इसका ट्रीटमेंट होगा वो सरकार के अंडर में होगा। जी बिल्कुल, ये तो आपने बड़ी एक जबरदस्त पॉइंट रेज किया कि वाकई वो जेल में इसका अरेंजमेंट होता है, वहां पे डॉक्टर्स होते हैं। तो एपी सिंह तो कह देगा कि मैंने वहां पे जेल में डॉक्टर का बंदोबस्त करवा दिया और बहुत तीर मार दी है। वो तो इस बात को भी सेलिब्रेशन में ले जाएगा कि देखे जी मैंने तो वहां पे जेल करवाने के बाद डॉक्टर का बंदोबस्त करवा दिया वहां पे। नहीं, मेरे को सुनने में आया कि एपी सिंह जी बोलते हैं कि मैं देखता हूं कि कौन इनको जेल करवाता है। मैं एपी सिंह जी को बोलती हूँ कि एपी सिंह जी मैं देखती हूँ कि आपको कौन बचाता है, पहले आप अपना तो सोचिए। इन तीन लोगों की मत सोचिए, पहले आप अपनी सोचिए। देखिए जब भी कोई मुसीबत आती है, हर समय कोई भी व्यक्ति हो, अगर कोई हम लोग जैसे कहीं जा रहे हैं, प्रॉब्लम आ रही है, तो सब लोग क्या है अपना अपना सोचते हैं कि हम कहां से भागे। आपको अगर अभी भी ये है कि सीमा हैदर को देखते हैं कौन अरेस्ट करता है, तो इसका मतलब आप बहुत बड़ी साजिश कर रहे हैं। आप बहुत बड़ी साजिश के तहत उनको लेके आए हैं और आपको अब एक्सपोज करने से मोमिन मलिक जी बिल्कुल भी नहीं घबराएंगे। और आपको जिस तरह से मोमिन मलिक साहब ने बोला है कि आपके जैसे एक नहीं 10 मोमिन 10 एपी सिंह भी खड़े हो जाएंगे तो भी मेरे को मेरे काम से कोई हिला नहीं सकता, मेरे को जो काम करना है कानून के दायरे में रह के, तो डेफिनेटली वो काम होगा। जिस तरह से अंसार बरनी जी ने ये बहुत अच्छा काम किया कि यहाँ मोमिन मलिक साहब को खड़ा किया है, तो मैं उनको सल्यूट करती हूँ कि उन्होंने ऐसे एक ईमानदार व्यक्ति को और एक ऐसे व्यक्ति को चुना उन्होंने कि जो दोनों मुल्कों के लिए सोचते हैं। आप उनका मेरा जो मैंने जो इंटरव्यू उनका लिया उसमें आप सोचेंगे, उसमें आप देखेंगे वीर मस भाई के, उसमें तो उनको दोनों मुल्कों से प्यार है। वो एपी सिंह जी की तरह नहीं है कि सीमा सीमा सीमा, जो सीमा पाकिस्तान से आई है तो आपको क्यों पाकिस्तान से प्यार नहीं है, वो पाकिस्तान से ही तो आई है, आपने उसको वहां से बुलाया है, उसके 4 बच्चे वहां से मंगवाए हैं आपने, उसके पति को धोखा दिलवाया है आपने, तो फिर आप उस पाकिस्तान से प्यार क्यों नहीं करते हैं जिस पाकिस्तान की महिला को आप शरण दे रहे हैं, जिस पाकिस्तान की महिला के लिए आप इतनी लड़ाई लड़ रहे हैं, तो आप उस पाकिस्तान को कैसे बोल सकते हैं कि वहाँ जिहाद है, वहाँ पे जिहाद की शिक्षा दी जाती है, आप क्यों बोल सकते हैं ऐसे? क्योंकि जो 4 बच्चे हैं वो भी पाकिस्तान के हैं, कल को अगर वो भी बच्चे बड़े होते हैं तो हो सकता है कल आपकी गर्दन उनके हाथ में हो। जो जिस तरह से आप काम कर रहे हैं उन बच्चों की, वो बच्चे देख रहे हैं, उन बच्चों के हाथ में आपकी गर्दन हो, तो आप बिल्कुल भी ये मत सोचिए। वो बच्चे जहाँ के हैं वो बच्चे वहां पहुंचने चाहिए, और आप कोई फैसला लेने वाले नहीं हो सकते हैं कि कौन सी कंट्री में क्या होता है, कौन से देश में क्या होता है। जिहाद का मतलब आप समझते हैं? आप कम जिहादी हैं? आप हिंदुस्तान में रह के जिहाद कर रहे हैं, आप हिंदुस्तान के कानून से जिहाद कर रहे हैं, ये आप सोचिए ना। क्योंकि जब हम किसी पे एक उंगली उठाते हैं तो 3 उंगली जो हमारी तरफ उठती है, वो जो हमारी गिरेवान की तरफ उठती है, उन 3 उंगलियों पे विशेष ध्यान रखा करें। तो एपी सिंह जी को मैं यही बोलना चाहूंगी कि प्लीज, आप बहुत अच्छे लॉयर थे, सुना था कभी, लेकिन जब से आपने ये काम करना शुरू किया कि मैं तो मैं नहीं, हम में दुनिया चलती है, जब तक हम नहीं होगा दुनिया नहीं चलती है। क्योंकि जब हम किसी से लड़ाई करते हैं ना, तो हम एक उंगली से किसी को नहीं मारते हैं, जब हम इन 4 उंगलियों को 5 उंगलियों को इकट्ठा करते मुक्का बनता है, तब जाके हम कोई किसी पे वार करते हैं। आप अकेला कुछ नहीं कर सकते हैं और आप कुछ हैं भी नहीं, आप एक बिग जीरो हैं, जो मैं एक बार पहले भी बोल चुकी हूँ। जिस तरह से मोमिन मलिक साहब की जो बातें आ रही हैं, जो वो खोज कर रहे हैं आप लोगों के प्रति और लोगों के प्रति, जिस तरह से वो खुलासा कर रहे हैं, पराशर सर जिस तरह से मोमिन मलिक का गुणगान कर रहे हैं, तो आप कौन हो? 200 लोग एक गिरह में सुनने के लिए, 200 लोग से ज्यादा लोग जो वोकलाज हैं वो उनको सुनने के लिए जा रहे हैं, तो आपकी क्या हिम्मत है उनको रोकने की? आप कौन है उनको रोकने वाले?
आप कौन होते हैं उनको रोकने वाले, और आपके साथ में है कौन? आपके एक महाराणा प्रताप सेना, वो कुछ भी नहीं कर पाएगी। जब हमारे हिंदुस्तान में आपको पता है कि इतना अच्छा कानून है, उस कानून के सामने संस्थाएं तभी काम आती हैं जब हमारे वोकलास हमारा साथ देंगे, और संस्थाएं तभी काम करती हैं जब वोकलास की टीम होती है। तो हमारे पास जब टीम होती है तभी जाके काम होता है, और आप अकेले कुछ भी नहीं कर पाएंगे। और आप सीमा को कितना बचाएंगे? आप सीमा का साथ छोड़ चुके हैं, आप सीमा को बहला रहे हैं, आप वो काम नहीं कर रहे हैं जो काम आप पहले कर रहे थे, जब तक हमें पता नहीं था कि आप उनके वकील हैं या नहीं हैं। तो वो काम आप छोड़ दीजिए, आपको भी सरेंडर कर देना चाहिए। जैसे जैसे आप पे जो बातें आ रही हैं उनको आपको एक्सेप्ट करके और ये मान लेना चाहिए कि हाँ, मैं कसूरवार हूँ, मैंने गलत काम किया है, तो मैं भी, हो सकता है कि आपको भी थोड़ा सा कुछ रिलीफ मिल सकता है। जी बिल्कुल सही बात है। ये तो मोमिन मलिक साहब भी इनको अपॉर्चुनिटी दे चुके हैं कि वकील होने के नाते थोड़ी बहुत इनको राय दी जा सकती है अगर ये इस तरफ आ जाएं, लेकिन ये इस तरह से नहीं मानेंगे। ये निर्भया केस में भी तब माने थे जब पूरा प्रोसीजर कंप्लीट हो गया, ये प्रेसिडेंट तक गए, आखिरकार उनको सजाए मौत हो गई। वो जो लड़के और लड़के थे, तो बात तो ये है कि उसका रिजल्ट क्या निकला, चाहे प्रेसिडेंट की तरफ ये तक गए, उसकी बजाय अगर ये किसी टेबल टॉक की तरफ आते तो शायद कोई माफी तलाफी वाला मामला हो जाता, उसके पेरेंट्स के दिल में कोई नरमी आती तो कोई मामला हो जाता। लेकिन ये तो जिस तरह से इन्होंने उनके खिलाफ चले वो लोगों के दिलों में और नफरत बढ़ी, और उसका रिजल्ट क्या निकला कि अदालत ने इनको भी सजाएं सुनाई और उन लड़कों को भी सजाए मौत की। बिल्कुल नहीं, हमें अभी भी इस केस के बारे में पता है सर, जैसे आपको भी पता है ये केस बिल्कुल खुला है। देखिए ठीक है, जांच करने में देर हो रही है क्योंकि जांच करने के लिए सभी को सामने लाना जरूरी है, और वो जांच अब कंप्लीट हो चुकी है, तो उस जांच पे पता चलेगा कि भाई चार्जशीट जो बनी है उससे पता चलेगा कि अब क्या क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है। और जिस तरह से जांच की चार्जशीट बन के आएगी तो उनको भी पता है कि उस चार्जशीट में क्या लिखा होगा क्या नहीं लिखा होगा। अफकोर्स सी बात है, वो इस चीज पे जरूर ध्यान दे रहे होंगे कि हमारे जो इदारे हैं, हमारे जो सुरक्षा कर्मी हैं, हमारे जो है कि इनको मैं कहां से अपनी तरफ करूं। लेकिन मुझे लगता है कि अब नहीं होगा, जिस तरह से हम लोग खुलासा कर रहे हैं, जिस तरह से मोमिन मलिक साहब काम कर रहे हैं, और जिस तरह से अभी जो खुलासे सामने आ रहे हैं उन पे हम चर्चा कर रहे हैं, तो मुझे नहीं लगता है कि एपी सिंह जी को अब इतना देर करना चाहिए। एपी सिंह जी ने ऑलमोस्ट ये केस वैसे भी छोड़ दिया है, क्योंकि जब मोमिन मलिक साहब ने बोला कि आप कागजों में, तो कहीं इनके तो वो हो ही नहीं लॉयर, और ना ही आप कुछ हो इनके, वो उसके बाद भी बोलते हैं कि मैं इनका एक सलाहकार हूँ। तो एक सलाहकार कभी भी अपने उसको कोई गलत सलाह नहीं देता है, तो आपने तो हर सलाह गलत दी है। कोई भी सलाह ऐसी नहीं दी है कि या तो हिंदुस्तान के प्रति दी हो या पाकिस्तान के प्रति दी हो, आपने तो दोनों देशों के लिए उनको ऐसा कर दिया उसको कि वो ना तो ये यहाँ की रही ना वो पाकिस्तान की रही, मतलब उसको मझधार में आपने छोड़ दिया है। और आप उसके बाद बोलते हैं कि मैं अभी भी उनके साथ में ही हूँ, पर आप उनके साथ में कैसे हैं वो दिखाई नहीं दे रहा है। आजकल आप कहाँ छुपे हुए हो वो समझ में नहीं आ रहा है, आप कर क्या रहे हो वो भी समझ में नहीं आ रहा है। पर मुझे पता है जो आपकी खोपड़ी है, या जहाँ तक हिंदुस्तान की आवाम जो समझ सकती है, आप कभी भी चुप बैठने वालों में से नहीं हो। आप मोमिन मलिक साहब के सामने बहुत रोड़े अटकाने वाले हो, और मोमिन मलिक साहब वो बजरंगी भाईजान हैं जो कभी नहीं रुकेंगे।